सलाद वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज मी शेफ मेहमा। तो आज मैं नारियल जो मोहरम में बांटते हैं शरबत वो वाला बनाने वाली हूँ। तो मैंने कहा आपसे मैं रेसिपी शेयर करती हूँ, आप भी तो मेरी फैमिली हो ना। चलिए, हमें मिल्क चाहिए, हमें खुला दूध नहीं चाहिए, मिल्क पैक ही चाहिए। मिल्क शरबत आपको रेड भी आप ले सकते हैं, मैंने लिया है ग्रीन शरबत। कस्टर्ड पाउडर, आलमंड्स, कंडेंस मिल्क और जेली चाहिए। मेरी 3 कलर्स की हैं, ब्लू, रेड, ऑरेंज। तो हम फर्स्ट स्टेप करने के लिए किचन में चलते हैं। तो ये मेरे पास 3 kg दूध है, ये मिल्क पैक है और ये कस्टर्ड है, आप कस्टर्ड का पाउडर है और ये इसमें मैंने इलायची का पाउडर और नट्स का पाउडर डाला है और इसमें मिल्क पैक में 2 टेबल स्पून ये डालेंगे। अगर आप इसे मिक्स ना करें तो इसमें ये देखें मिक्स करते रहना है आपको, और आप छोड़ देंगे तो इसमें बड़े बड़े। अभी ये हमने ये कलर कुछ ऐसा आ जाएगा और हमने अगर आप इसे मिक्स ना करेंगे तो लम्स बढ़ जाएंगे। जब तक मिलाएं जब तक कस्टर्ड पाउडर पक ना जाए। जब कस्टर्ड पाउडर पक जाए तब आप फ्लेम ऑफ करके इसे कूल होने के लिए रख दें। जो हमने मिल्क कूल करने के लिए रखा था वो कूल होके आ गए हैं, बहुत यम्मी लग रहा है माशाल्लाह से। और हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर भी ऐड किया था क्योंकि मिल्क को थिक करने के लिए और फ्लेवर लाने के लिए। माशाल्लाह बहुत यम्मी बना है दिख रहा है। और हमने सेकंड स्टेप ये है कि हमने जेली को कट करके इस मिल्क में डालना है। तो अभी मेरे पास ये 3 kg है मिल्क, तो मैं वन कप डालूंगी शरबत, इलायची डालूंगी क्योंकि मैं जब पक रहा था तभी मैंने डाले थे, इसलिए मैं अभी 2 डालूंगी। इसे बीच से प्रेस करके खोल के को डाल देना है। करते थोड़ा सा इसे मिक्स करते हैं, इसे कलर भी ग्रीन आना शुरू हो गया है। और जब ये ग्रीन कलर आ जाए या रेड कलर आ जाए तो फिर आपको एलिमेंट्स डालने हैं। ज़्यादा नहीं डालने, इसमें आपको पसंद है कंडेंस मिल्क जितना आपको मीठा पसंद है। मुझे मीठा इतना नहीं पसंद इसलिए मैं थोड़ा सा डालूंगी। तो इसे अभी हमने मिक्स करना है। बिस्मिल्लाह। ये तो बहुत ज़्यादा यम्मी दिख रहा है। और अभी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आप बांध सकते हैं प्लास्टिक के भी ग्लासेस में ऊपर से कैप देके, और आप शीशे के ग्लासेस में भी बांध सकते हैं। मिक्स 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 माशाल्लाह। तो आपको ठंडा चाहिए बहुत ज़्यादा तो इसलिए आप आइस भी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसे मिक्स करते हैं। तो गाइस हमने शरबत डाल दिया जग में, अभी हम इसका कैप देते हैं माशाल्लाह। तो गाइस हमने ग्लासेस में डाल दिया है शरबत, अभी मुझे बांटने जाना है। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो। अभी मुझे बांटने जाना है, प्लीज़ मुझे आप सपोर्ट करें, लाइक करें। तब तक ये मैं बांट के हूँ, अल्लाह हाफिज़।